अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्मप्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, बड़े बुजुर्गों से सब समय सुनते आए हैं कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, अन्य प्राणियों से बेहतर है। लेकिन ये तब बेहतर है जब मनुष्य को जीने का ढंग आए, और यदि जीने का ढंग ना आए तो सबसे बदतर हो जाता है। है तो बेहतर लेकिन वो बदतर हो जाता है। किसी कल के सत्संग में मैंने ये बातें कही भी थी, साहेब बंदगी, कि जीने की कला जीवन तो सभी जी रहे हैं लेकिन सबके जीवन को देख करके अंदाज लगाया जा सकता है कि कैसे जी रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को देखो, घर परिवार हो, समाज हो, गांव हो, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो दुखी और अशांत होकर के जी रहे हैं। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, परस्पर में लड़ाई और झगड़े हैं। लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे जो खुश हैं, प्रसन्न हैं, आपस में प्रेम है, रिश्तों में भी मधुरता है, बाह्य सफलता भी है, धन धान्य संपन्न है। तो क्यों अंतर है ये? ऐसा नहीं है कि जिनके पास धन ज्यादा हो, व्यवस्था ज्यादा अच्छी हो, ऐसे लोग सुखी हैं, और जिनके पास धन कम है, व्यवस्था कम है, ऐसे लोग दुखी हैं। ऐसा भी नहीं है। धनी हो या गरीब हो, सब में सुखी दुखी देखे जाते हैं। धनियों में भी सुखी दुखी देखे जाते हैं। जिनके पास धन कम है, बहुत कम है, ऐसे लोगों में भी सुखी दुखी देखे जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी सुखी दुखी देखे जाते हैं, अनपढ़ लोग भी सुखी दुखी देखे जाते हैं। तो जीवन की सफलता और असफलता यह कोई धन से, पद से, विद्या से, प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है, क्योंकि यदि इससे होता तो जो उपलब्ध हैं ऐसे लोग तो सुखी होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी गुरुदेव जी के साथ भ्रमण तो कई भारत के क्षेत्रों में जाना पड़ा, भारत के विभिन्न प्रांतों में जाना हुआ। धनियों के घर भी रहना होता था, जिनके पास धन कम होते थे, सुविधाएं कम होती थी, वहां भी रहना होता था। इसी छत्तीसगढ़ में कितने गांवों में गए, कितने घरों में रहे, कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती थी तब और आज में तो बहुत अंतर है। आज से
25 साल पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था, जाते थे गांव में, गद्दे कहाँ मिलते थे आप लोग भी जानते हैं। जहाँ जाते थे वहाँ नीचे पुआल डाल देते थे, पैरा लगाओ साहेब आसन। शौचालय बाथरूम की तो व्यवस्था ही नहीं थी। इसी आश्रम की बात है साहब, जानते यहीं आते थे तब कहाँ होते थे, डब्बा लेकर बाहर जाते थे और नहाने के लिए कहाँ कहाँ भटकते थे, पानी नहीं होता था, सब जानते हैं। आज सुविधाएं बढ़ी हैं, सब जगह है। मैं ये कह रहा था, इस बीच विभिन्न प्रकार के लोगों को देखने का अवसर मिला, आज भी मिलता है, तो सभी वर्ग के लोग सुखी दुखी देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस जो सुविधा संपन्न है वो आनंदित है, जिनके पास सुविधाएं कम हैं वे दुखी और अशांत हैं, ऐसा नहीं है। जीवन का मूल्यांकन किसी और के आधार पर होता है और वो जीवन के बाहर की वस्तुओं और परिस्थितियों से नहीं होता है। एक मेला था, तो आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो मंडई का मेला होता है, ऐसे ही कोई मेला, एक आदमी गुब्बारा बेचने वाला, तो गुब्बारे के कई रंगों के गुब्बारे वो बेचा करता साइकिल में। लेकिन उनका गुब्बारा एक होता है ना, जिसमें गैस भर दी जाती है और उसको छोड़ने पर ऊपर उड़ जाती है। वो एक सामान्य गुब्बारा होता है जो हवा भर देने पर वजन होता है तो नीचे आ जाता है। उसमें एक ऐसी गैस, नाइट्रोजन नहीं, हीलियम है, हीलियम गैस, तो वो भर देने पर क्या होता है, हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ती है। तो वो बेच रहा था और जब उसकी बिक्री कम हो जाती तो एक गुब्बारा वो छोड़ देता आकाश में, तो उसको देख करके बच्चे मचल जाते, ये गुब्बारा लेना है। और यही उनका एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट होता था, जैसे बिक्री कम हुई एक गुब्बारा छोड़ दिया ऊपर और उसे देखे बच्चे बस, और अपने माँ हो, पिता हो, घर के कोई भी हो, उनको गुब्बारा लेने के लिए वो मचल जाता था। तो गुब्बारा लोगों को बेचते थे, अच्छी हो जाती थी काम भरे आमदनी उनकी। एक बार वो गुब्बारा बेच रहा था कई रंगों का, तो जब बिक्री कम हुई तो एक ब्लू कलर का, नीले कलर का गुब्बारा को छोड़ दिया, एक बार फिर सफ़ेद कलर का छोड़ दिया। तो पीछे एक देखा कि उसका जो कुर्ता था ना, कपड़ा, उसको कोई खींच रहा है। तो लौट के देखा तो एक छोटा सा बच्चा था। उसने कहा, क्या बात है, क्या चाहिए बेटा? उसने कहा, अंकल एक बात बताओ, आपने जो सफ़ेद गुब्बारा छोड़ा तो ऊपर चला गया, ये जो काले रंग का गुब्बारा है ये भी ऊपर चला जाएगा, ये जो काला रंग का गुब्बारा है वो भी ऊपर चला जाएगा। उसने कहा, बेटा गुब्बारे जो ऊपर उड़ता है ना, वो रंगों के कारण नहीं है, बल्कि गुब्बारे के अंदर भरा क्या गया है, भरा क्या गया है, इसके आधार पर उड़ता है। और देख रहे हैं मेरी बाजू में एक छोटा सा सिलेंडर है, उससे मैं हवा भरता हूँ इसमें, और ये हवा कोई साधारण नहीं है, और इस हवा को भरने से गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। ये बात हुई। यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ इस उदाहरण के माध्यम से, गुब्बारे के रंग के आधार पर गुब्बारे ऊपर नहीं जाते हैं, गुब्बारे के अंदर भरा क्या है। ऐसे ही है जीवन में, सुख दुख सुविधाओं के आधार पर नहीं होते हैं, आपके भीतर भरा क्या है, अर्थात आपको जो जीवन में संसाधन मिले हैं उसका आपने उपयोग कैसे किया, यही महत्वपूर्ण है। चीजें सबके पास हैं, चीजों का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मकान है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कैसे कपड़े हैं, मतलब जो जीवन के
जैसे यहीं पर बैठे हैं, देखो सबका जीवन है, तो अब तो घर को छोड़कर आए हैं और जो भी धन संपत्ति सब छोड़ करके आए हैं, परिवार के सदस्यों को भी छोड़कर आए हैं, लेकिन आप अपने जीवन को लेके आए हैं ये साथ, और जीवन को लेकर के आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपके जीवन के साथ में आपके विचार भी आए हैं, आपके साथ में आपके विचार आए हैं, आपके शब्द आए हैं, आपके स्वभाव आए हैं। ऐसा थोड़ी है आपका स्वभाव आपके घर में है और आप यहाँ आए हैं, आपके विचार आपके घर में और आप यहाँ आए हैं, नहीं। आपका मन आपके पास है, आपकी इंद्रियां आपके पास है, आपकी वाणी आपके पास है, वो सब है। यही इन्हीं सब का उपयोग कैसे करते हैं आप, ये महत्वपूर्ण है। जो आपको कुदरत के रूप, कुदरती रूप से जो प्राप्त है, कुदरत से प्रकृति से जो प्राप्त है, उसका उपयोग कैसे करते हैं, इसी पर जीवन का अंतर आ जाता है। वो क्या है? वही है, हर चीज को सोचने का ढंग कैसा है, हर घटना के बारे में सोचते कैसे हैं, आपके साथ जब होता है तो उसके बाद में आप कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, कैसे शब्दों का चयन करते हैं, एक्शन कैसा लेते हैं, ये सब कुछ अंतर डालता है, ये सब कुछ अंतर डालता है। और इसीलिए जो आपके भीतर भरा होता है, आपके भीतर, वही आपके शब्दों के माध्यम से निकलता है और आपके व्यवहार के माध्यम से निकलता है। तो महत्वपूर्ण बाहरी परिस्थिति नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? मन स्थिति। बाहरी परिस्थिति सबकी लगभग बराबर होती है। अच्छा, दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपना ही घर देख लो ना, जहां आपका ही घर है, आपका ही गांव मोहल्ला है, तो आपके घर तो भोजन तो सबके लिए बराबर बनता है, इतना तो आपको समझने में सरलता के लिए बता रहा हूं। और सबके लिए पर्याप्त कपड़े भी होते हैं, लेकिन आपके ही घर के सदस्यों में से देखोगे एक कमल शिकायत से भरा रहेगा, सुबह से देखोगे तो कई बार तो मुंह फुलाए बैठा रहेगा, नाराज और गुस्से में दिखेगा। ऐसे भी होंगे जो प्रसन्न रहते हैं, सब काम को बढ़िया से कर देते हैं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, तो भोजन तो सबको एक ढंग का मिल रहा है, रहने की सुविधाएं भी, घर मकान सब भी एक समान के हैं, लेकिन उसी घर मकान में उन्हीं लोगों के बीच रहकर एक आदमी दुखी है, दूसरा आदमी सुखी है, क्यों है? इसका मतलब उनका व्यक्तिगत जीवन है, उसकी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत भाव है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बाहरी परिस्थितियों को बदल करके आप जीवन के परिणाम को नहीं बदल सकते। आप जीवन के परिणाम को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, और आपका बदलना ही आपके परिणाम को बदलता है। अभी सुबह के सत्र में सुन रहा था, यदि आप दृश्य में परिवर्तन चाहते हैं तो अदृश्य में परिवर्तन कर लो, जो दिखाई दे रहा है उसे बदलना चाहते हो तो उसे पहले बदल लो जो दिखाई नहीं दे रहा है, सही है ना? आपका विचार दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी सोच दिखाई नहीं दे रही है, आपका जो नजरिया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वही परिवर्तन होता है तो बाहर परिवर्तन हो जाता है, बाहर परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप को जो जीवन मिला है उसको जीते कैसे हैं, आपको जो सामान मिला है उसका उपयोग कैसे करते हैं। और इसके लिए एक बड़ा सरल उदाहरण मैं दिया करता हूं। देखो यहीं पर बैठे हैं कितने माता बहने बैठी हैं, और आप लोगों में से भी ये बात कहने जैसी यह है कि हम ही लोगों में से 10 लोगों से कहा जाए कि भोजन बनाना है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ताकि सरलता से समझ में आ जाए। 10 लोगों से कहा जाए कि भोजन बनाना है,
और भोजन बनाने का मतलब नहीं कि 10 लोग मिलकर बनाए, 10 लोगों को अलग अलग भोजन बनाने की व्यवस्था दी जाएगी, अर्थात गैस सिलेंडर चूल्हा, फिर बर्तन, चावल दाल आटा सब्जी मसाला पानी, जो भी भोजन बनाने के लिए उपयोगी चीजें होती हैं वो 10 जगह अलग अलग भागों में बांटा गया है। और ऐसा नहीं कि सबका सामान कोई अलग अलग है, एक चावल की बोरी खोली गई, उसी में से सबको 10 भाग बांटा गया, दाल सबको बराबर, वही दाल वही सब्जी सबको बराबर दे दी गई, और 10ों से कहा गया आप भोजन बनाइए, और 10ों ने भोजन बना के तैयार किया। आप लोगों से मुझे इतना ही पूछना है, जो 10 लोग अलग अलग लोग भोजन बना के तैयार किए, सबके भोजन का स्वाद एक समान होगा या अलग अलग होगा? अच्छा, सबको पता है अलग अलग होगा। अच्छा, क्यों अलग अलग होगा? तरीका अलग अलग है, सही है ना, ढंग अलग अलग है। तो जो साधन मिला, सामान मिला, वो सबका बराबर, लेकिन ढंग अलग अलग है। यही बात है, हम लोगों को जो कुदरत की ओर से मिला हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, मन है, वाणी है, इंद्रियां हैं, जो शक्ति मिली है, जो शक्ति मिली है, उस शक्ति को का उपयोग करने का तरीका, यही आपके जीवन को बदल देता है। बस यही जीवन को बदल देता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तक जो जीवन में परिणाम आ रहा है, इस चीज को समझे, अभी आज की तारीख में जो आपको जीवन में परिणाम का मतलब जो अनुभव हो रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, वो कैसा है? क्या जीवन में जो रोज रोज परिणाम आ रहा है उससे आप खुश हैं? मतलब आप जब अकेले में बैठे तो आपको लगता है कि मैं खुश हूं अपने आप से, और अपने आप से खुश हूं, मैं अपने परिवार से खुश हूं, जो मुझे प्राप्त हो रहा है उससे खुश हूं, अपनी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जो भी मुझे अभी प्राप्त हो रहा है रोज रोज, क्या मैं उससे खुश हूं? ऐसा लगता है कि मैं सचमुच सही तरीके से जीवन जी रहा हूं, और वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता हूं। मतलब आप अपने आप से संतुष्ट हैं, ऐसा लगता है? यदि आपके भीतर ऐसा लगता है कि नहीं, अभी यह कमी है, वह कमी है, वो करना है, तो उस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी, और जैसा आपका सपना है जीवन में जीने का, वैसे सपनों का जीवन जीने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं कहना चाहता हूं, वो आपकी है। अर्थात आप जब बदलेंगे तो आपके जीवन का परिणाम भी बदल जाएगा, इस चीज को समझें आप। अच्छा, ये कोई असंभव नहीं है कि कोई कर नहीं सकते आप। अब ये भी नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा हो वही ये काम कर सकता है, या जिसके पास बहुत धन है वही काम कर सकता है, या फिर ये कहें जो पुरुष है ना वही काम कर सकते हैं, ये काम तो नारियों के लिए नहीं है, या फिर जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो गई है वही अपना जीवन बढ़िया से जी सकता है, 60 के से कम वाले लोग नहीं जी सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्डेड नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ये भी नहीं है कि आप यदि भारत में जन्मे इसलिए नहीं कर सकते, अमेरिका में जन्मे होते तो कर लेते, ऐसा कुछ नहीं है। आप शहर में हो, गांव में हो, घर छोटा हो, बड़ा हो, शरीर की उम्र कम हो, ज्यादा हो, पढ़े हो, न पढ़े हो, आप ये काम कर सकते हैं, क्या मन पसंद का जीवन जी सकते हैं। बस कुल मिलाकर बात इतनी सी है, मन पसंद का मन चाहा जीवन जी सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप
आपको लगता है कि कई बार परिस्थितियां ही ऐसी होती कि मनपसंद का जीवन नहीं जी सकते, बात सही है आपका कहना। ऐसा नहीं कि हर बार आप गलत ही होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आप परिस्थितियों को दोष दे करके अपने जीवन के परिणाम को बदल सकते हैं? और जिन लोगों को हम मानते हैं कि वो सफल जीवन जिया, क्या उनके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आई थी? और मैं बताऊं, आपके जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं हैं ना, आप जब देखेंगे उनके जीवन को तो लगेगा मेरे से ज्यादा प्रतिकूलता है। एक संस्मरण ख्याल आया गुरुदेव जी के संबंध में। गुरुदेव जी एक जगह थे, एक सज्जन आया और उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा, क्या तुम दुनिया भर का सर्वेक्षण कर लिए हो? कि महाराज सुनिए तो, मेरे समान दुखी कोई नहीं है। तब गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा बताओ, तुम घर से निकाल दिए गए हो? नहीं महाराज, घर में रहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी पत्नी को कोई छीन के ले गया है? अरे नहीं महाराज, घर में है पत्नी। तब गुरुदेव जी ने क्या कहा, इसका मतलब हुआ तुम राम से तो ठीक हो ना, भगवान राम से तो ठीक हो। भगवान राम अपने राज्य से निष्कासित थे, जंगल में निकाल दिए गए थे, और उसकी पत्नी भी कोई ऐसा था बलवान आदमी, वो चुरा करके ले गया था छीन करके। आप बताओ, राम का दुख बड़ा है कि तुम्हारा दुख बड़ा है? समझ रहे ना, क्या मान के बैठे हैं, मेरी परिस्थिति जितनी खराब है शायद किसी दूसरे की नहीं है। यदि मेरी परिस्थिति में कोई दूसरा होता ना, तब पता चलता उनको। आपको क्या लग रहा है, यदि उनकी परिस्थिति आपको मिल जाए ना, तो आपको नानी याद आ जाएगी। एक उदाहरण याद आया, फिर से बताऊं मैं। एक कोई प्रसिद्ध जानकार आदमी जिनके लिए थी कि वो सबकी समस्याओं का समाधान करता है, सब समाधान कर देता है, वो हर प्रश्नों का उत्तर देता है। तो समय दिया गया था सुबह 8 बजे, उनसे एक जगह है बताया गया जहाँ बहुत बड़ा हाल है, वहाँ वो मिलेंगे, अपनी समस्या आप रखेंगे, वो आपका समाधान कर देंगे। पहुँचे और भीड़ की भीड़ पहुँच गई, क्योंकि किसके जीवन में समस्या नहीं है। मैं यदि हाथ उठाने के लिए कहूँ आपके जीवन में समस्या है कि नहीं है, तो है वाली सब उड़ जाएंगे। ऐसा एक बात सूत्र बताऊं मैं बोलने के, इस उदाहरण देने के पहले, ऐसा कोई जीवन होता ही नहीं जिसमें समस्या न हो। ये आप ध्यान दीजिए, समस्या रहित जीवन होता ही नहीं है। यदि आपका जीवन है तो आपके जीवन में समस्या भी है, उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए वो समस्या लेकर के लोग पहुंचे, तो अब सभी चाहते हैं कि मेरा पहले सुने, तो सब एकदम से जैसे उनके ऊपर टूट पड़े कि मेरी बात सुनो। अब बताइए, जब 150 लोग एक साथ बोलने लगे तो एक आदमी को समझ भी नहीं आया क्या बोल रहे हैं, तो जोर से चिल्ला बैठा हो खामोश, तो सबके सब सन्नाटे में आ गए। ऐसा तो नहीं को नाराज हो गए और बिना उत्तर दिए चले जाएं। उसने कहा कि देखो, मैं सबका उत्तर दूंगा, लेकिन इस प्रकार से बोलेंगे तो मैं किसी का समाधान नहीं कर सकता हूं। ऐसा करो, एक काम करो, आप अपनी समस्या को एक कागज में लिख लो, एक कागज में लिख लो। तो सभी को एक कागज दिया गया, कलम दिया गया, और सभी ने अपनी समस्या बकायदे उसमें लिख ली, जो भी समस्या सब एक कागज में लिख लो, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, एक इतना बड़ा टोकरा, बड़ा सा टोकरा रखा और बीच में रख दिया, जैसे हाल है ना, बीच के हाल में, और कहा कि इस टोकरे में डाल दो, लिख लिख करके सब डाल दो अपनी अपनी समस्या, नाम पता भी लिखे रहना ना, सब लिखे रहना, तब की पता चले ना भाई किसकी बात है ये। तो वो सब उसमें डाल दिए और डाल करके उसमें छोड़ दिए। उसके बाद सब खाली हो गए। अब कहा सब लोग बैठो, सब किनारे 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 करे गोल बैठ गए, बीच में वो टोकरा रखा है और सब किनारे बैठ गए, जैसे हम लोग कभी कभी देखे होंगे ना बंदाई के समय गोल बैठते हैं, ऐसे ही वो गोल बैठ गए।
और वो भी किनारे कहा, देखो इसमें आपकी समस्या है सब। अब आप मानते हो कि आपकी समस्या छोटी है और बड़ी है और दूसरे की समस्या छोटी है, तो एक काम करो, आप एक एक आदमी उठेगा और उस टोकरी में से अपनी समस्या को छोड़ करके किसी दूसरे की समस्या को उठा ले। अब क्या होगा, जिसकी समस्या को उठा लोगे, जिसके कागज को उठाओगे, वह समस्या आपकी हो जाएगी और उस समस्या का आपको समाधान ढूंढना है, आपको करना है। अब लोग गए, सोचे कि मेरी तो बड़ी है, तो दूसरे को उठाया, उसको देखा, भाई ये तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं तो अपनी समस्या से परिचित हूं ना, दूसरे की समस्या से परिचित भी नहीं हूं, कैसे होगी, क्या होगा। और आपस में बदलना चाहो बदल भी सकते हो। बहुत देर तक लोग पर्चा उठाए, देखे परखे इधर उधर, अंत में क्या किया पता है, सभी लोगों ने अपनी दूसरे की समस्या को रख दी और फिर अपनी अपनी समस्या को लेकर के आ गए, अपनी अपनी समस्या को लेकर के आ गए। इस कहानी के माध्यम से मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप जो ये मानते हैं ना कि मेरी परिस्थिति सबसे विकट है, मेरे घर वाले सुनते ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, आप जिस प्रकार की कमियों का रोना रो रहे हैं, इन्हीं कमियों को के रहते हुए भी लोग सफल हुए हैं। आपको मैं क्या बताऊं, कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनकी आंख नहीं थी वो आदमी सफल, जिनके पैर नहीं वो आदमी सफल, जिनके दोनों हाथ नहीं वो आदमी सफल, समझ रहे हैं ना, जिनकी कान, जिनके कान नहीं वो आदमी सफल, जो बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुआ था वो आदमी सफल, जिसको अपमान मिला वो सफल, जो जेल का जीवन काटा वो भी बाहर निकल करके सफल हुए। क्या इन लोग जब सफल हो सकते हैं, और ये भी बताऊं, जिनके जीवन में बहुत सारी गलतियां थी, बहुत बड़ी बड़ी कमियां थी, वो कमियां तो आपके जीवन में है ही नहीं, ऐसे लोग भी उन कमियों को छोड़ करके, बुराइयों और अवगुणों को छोड़ करके अपने जीवन को सफल बना लिए। कई उदाहरण, अच्छा जिसके बारे में आप जानते हो वो उदाहरण ही बता देता हूँ, चाहे वो अंगुलीमाल हो, चाहे वो रत्नाकर डाकू हो, जिसको वाल्मीकि के रूप में जाना गया बाद आगे चल करके, और वही अंगुलीमाल जो महान भिक्षु बन गया, जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था, ये उदाहरण है बड़े बड़े, ये तो बड़े पुराने उदाहरण हैं, लेकिन सच उतना ही सच आज भी है, आज भी है, आज भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप केवल अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहेंगे, लोगों को दोष देते रहेंगे, तो आप जीवन को नहीं बदल सकते। आपको और अब मुझे, हम सबको यदि जीवन में परिवर्तन लाना है, जीवन के परिणाम को बदलना है, तो आज तारीख को तो एक काम तो करना होगा आज से, वो क्या है, आप दूसरों को दोष देना बंद करें। पहला काम, दोष देना बंद कर दें कि अमुक के नाते मैं जीवन में प्रसन्न नहीं हूं, सुखी नहीं हूं, ये दोष देना बंद कर दें। देखिए मैं एक चीज बता दूं तो फिर आगे बढ़ूं, फिर से बता रहा हूं, एक लेखक हुए, एक हार्ट अटाल, आप लोग तो शायद ही कोई उनके नाम को जानते होंगे, उनकी पुस्तक है द पावर ऑफ नाउ, शक्तिमान वर्तमान, वो जर्मनी के लेखक हैं, मैंने वो पुस्तक पढ़ी है, उसमें उन्होंने बात लिखी है कि जिस परिस्थिति से आप परेशान हैं, जैसे कोई, जैसे आपका परिवार, जैसे आपका गांव है ना, या ऑफिस, जिस ऑफिस में जाके काम करते हैं, जिस विद्यालय में जाकर के पढ़ते और पढ़ाते हैं, कुछ भी, वो उन परिस्थितियों से आप परेशान हैं, आप अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, बहुत दबाव महसूस कर रहा हूं, तो आपके पास में तीन विकल्प हैं, तीन विकल्प हैं, क्या है, पहला विकल्प है आप उस परिस्थिति को बदल दो, अर्थात घर के जो माहौल है, घर में जो लोग हैं उनको बदल दो, बिल्कुल सरल ढंग से बताता हूं, ऑफिस को बदल दो, ऑफिस की परिस्थिति को बदल दो,
या कोई विद्यालय में जाके पढ़ाता है, कुछ भी, जहां भी आप रहते हैं ज्यादातर समय देते हैं, घर हो, परिवार हो, समाज हो, कहीं भी, या फिर ऑफिस कार्यालय कहीं भी आप काम करते हो, दुकान हो, तो जिस परिस्थिति में आप हैं और आप परेशान नजर आ रहे हैं, अपने आप को लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हूं, तो आप उस परिस्थिति को बदल दो। एक पहला विकल्प, आप कहते हैं नहीं जी मैं उसको बदल नहीं सकता हूं, तो आपका दूसरा विकल्प क्या है, आप उस परिस्थिति से अपने आप को अलग कर लो, अलग कर लो। फिर आप कहेंगे कि न तो मैं परिस्थिति बदल सकता हूँ, न मैं अपने आप को अलग कर सकता हूँ। तो तीसरा विकल्प क्या है, जो है उसे स्वीकार करो, बस जो है उसे स्वीकार करो, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आप प्रयास तो कर चुके होंगे, चाहे आपका घर वाला हो, चाहे घर वाली हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे भतीजा हो, उसे बदलने का प्रयास बहुत कर चुके होंगे। बदल पाए? पड़ोसी को बदल पाए? गांव वालों को बदल पाए? मौसम को बदल पाते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? जब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जिसे आप बदल नहीं सकते, तो क्या करना है? जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकारना सीखे, स्वीकारना सीखे। आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप उससे अपने आप को अलग कर लें, तो फिर जिनके साथ है उनके साथ रहने का तरीका सीख लो, बस ढंग सीख लो। ठीक है, वो चिल्लाता है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, करोगे क्या आखिर में? जीना उन्हीं के साथ है, तो जैसा है एडजस्टमेंट करो। लड़ लड़ के जीना, कभी कभी मैं विनोद में कहता हूँ, एक चौथा विकल्प बताऊं, चौथा विकल्प क्या है, फिर लड़ाई करते करते जियो, सामने वाले से लड़ाई भी करो और जियो भी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्या मतलब होगा? पति पत्नी साथ साथ रहना है और दोनों लड़ लड़ के रहें, भाई भाई साथ साथ रहना है, दोनों लड़ लड़ के रहें, क्योंकि आपके अनुसार भाई नहीं, आपके अनुसार पति और या पत्नी नहीं, आपके अनुसार सास नहीं, आपके अनुसार बहू नहीं। अब क्या करेंगे? लड़े लड़के रहेंगे? नहीं, न तो आप बहू को हटा सकते हैं, न सास को हटा सकते हैं। फिर क्या करना है? उसी घर में रहना है, उन्हीं के साथ रहना है, तो आप ऐसा कुछ करें व्यवहार, ऐसा कुछ सोचें, ऐसा कुछ बोलें, ऐसा कुछ सोचे, कुछ भी करें आप, ताकि आपस में बढ़िया से रह सके, रह सके। नहीं तो फिर कभी भी आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों पर रोना रो करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्या करना है? मैंने कहा ना, आपको जो शक्ति मिली है, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, करने की शक्ति, इसे ही ठीक करना है, इसे ही समाधान, इसी में समाधान ढूंढना है और कुछ नहीं है, यही सब करना है। तो बात यहाँ पर यह थी कि जीवन तो सबको मिला है, सबको मिला है, लेकिन जीवन को जीने का तरीका अलग अलग है। हमें अपने जीवन के तरीके पर ही काम करना है ज्यादातर। तो बाकी तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको मेहनत करके अपना धन नहीं कमाना है, वो भी करना है, वो भी करना है, धन भी कमाना है, परिवार के साथ भी रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन साथ साथ क्या करना है, मैं इतना ही कहना चाहूँ, जिस परिवार के साथ रहो खुश होके रहो, जिस ऑफिस में जाकर काम करना है वहां भी प्रसन्न होकर काम करो, चाहे आपको खेत में ही जाकर काम करना हो, 10 मजदूर को लेकर के 20 मजदूर को लेकर काम कर रहे हैं, अब मजदूरों से लड़ाई झगड़ा रोज रोज करते रहेंगे, कैसे बनेगा? तालमेल बैठा करके, आपका वही काम है और आप अपने ही कामों से उलझे हुए हैं। आप कहें क्या बताऊं, ये काम मुझे करना पड़ रहा है। अरे पढ़ नहीं रहा है, आप शौक से करिए। कुछ लोगों का ऐसा प्रोफेशन होता है जिसको लेकर के वो परेशान रहते हैं। एक वकील आए गुरुदेव जी के पास में, क्या बताया, क्या करते हो? क्या बताऊं साहब, क्या करता हूं मैं, बहुत बेकार है। अरे करते क्या हो, क्या हो गया? वकील हूं, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। गुरुदेव जी ने कहा तो छोड़ दो, फिर वकालत छोड़ दो, कोई बात हुई? वकालत करते समय जो आवश्यक झूठ है वो बोलो,
बस इतना ध्यान रखो कि दूसरे का हक छीनने के लिए झूठ ना बोलो। न्याय नीति में भी कभी कभी कुछ कानून के ढंग ही ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा करना पड़ता है, तो बोल लो और खुश रहो। वकालत जाओ लेकिन प्रसन्न होकर के जाओ। वकालत का काम ही रोज करना है और वकालत से खुश नहीं रहेंगे कैसे होगा। ऐसे ही दो बैंक के कर्मचारी, आपकी सूरत में वे दोनों कर्मचारी फिर आए थे। इसके पहले साल वो आए थे, बैठे बातचीत होने लगी और फिर मैंने कहा तो कहा से ऊपर भी गए थे, बातचीत हुई थी साहब जी से और वो दोनों कहे कि क्या बताएं, बैंक का इतना तनाव रहता है, सुबह से आते हैं उनका काम निपटाना, फिर ऊपर वालों भी दबाव रहता है, इतनी देर तक काम करो पूरा करो तब जाओ, मैं सब तनाव में रहते हैं, बहुत कुछ मन में, यहाँ का काम को घर में भी ऐसा कुछ होता है, यहाँ यदि परेशान रहते तो घर में भी जाके उसकी परेशानी होती निकलती है, क्या करें। मतलब प्रसन्न नहीं थे दोनों। तो साहब जी ने कहा कि काम करो फिर बैंक की नौकरी छोड़ दो। अब बैंक की नौकरी छोड़ देंगे तो आमदनी कहाँ से होगी, सही है ना, नौकरी तो इसी के लिए, नौकरी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं तो नौकरी छोड़ नहीं सकते, तो क्या करना है, कुछ नहीं। अब सोचो अभी तक क्या सोच रहे थे, अब काम में जा रहा हूँ और दबाव लेकर के जाना है, ये करना है वो करना है, ये काम वो काम, अब थोड़ा इसको बदल दो। क्या बदल दो, मैं बताता हूँ उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि बदल क्या दो, अब जब बैंक जाने के लिए घर से निकलो तो सोच करके निकलो, मैं बैंक में आने वाले ग्राहक जो मेरे लिए देवी और देवता हैं उनके काम निपटाने के लिए जा रहा हूँ। समझ रहे हैं क्या कहा उन्होंने, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ क्योंकि ग्राहक आएंगे, अब मैं इन देवी देवताओं की सेवा करने जा रहा हूँ, उनका काम निपटाने जा रहा हूँ बस, और आप जो भी ग्राहक आए बड़ी प्रसन्नता से उसके काम को निपटाओ, आपको अच्छा लगे। अब तो हम लोग को वो काम पड़ता ही नहीं है, आप जाते थे विड्रॉल फार्म जमा कर देते थे या फिर चेक जमा करते एक टोकन मिलता लेकर बैठे हैं, अभी भी है जा करके फिर इंतजार करते आपका कब नंबर आएगा, वो टोकन नंबर आजकल तो लिखा भी रहता है। तो वो एक कई काउंटर होते थे जहाँ पर कैशियर बैठते थे, जहाँ पैसे लोगों को देते थे और कई कैशियर थे जो पैसे लेते थे जमा करने, जमा वाले भी बैठे थे और देने वाले भी बैठते थे, तो कई ऐसे काउंटर होते थे तो बहुत भीड़ होती थी, बड़ा बैंक था तो कई लोग खड़े होते थे इस इंतजारी में कि उस कैशियर से पैसा लेना है। अच्छा आप जितने का पैसा चेक काटेंगे, जितना आप फार्म में भरेंगे उतना ही तो पैसा मिलेगा, कोई भी कैशियर दे, कोई भी कैशियर दे, लेकिन नहीं उसने कहा मुझे उस कैशियर से पैसा लेना है। तो कई बार बैंक के कर्मचारी बाहर आते, भैया वहां ले लो खाली काउंटर, नहीं नहीं मुझे वहीं लेना है। अब सोचे गड़बड़ है ये तो, एक ही कैशियर से पैसा लेना चाहते हैं जिनको देखो उनको, तो लोगों से फिर सर्च किया गया, क्या बात है अभी खोजबीन करो पता करो भाई ऐसा कैसे होता है। तो जो ग्राहक आए थे बैठे थे उन लोगों से पूछा गया, अच्छा बताओ उन्हीं से पैसा क्यों लेना चाहते हो, ऐसा कई लोगों से पूछा, कई दिनों तक पूछा होगा, रिजल्ट क्या आया, लोगों ने क्या कहा, उस कैशियर से जब पैसा लेते हैं ना तो हमारा काम पूरा हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए पैसा निकाल रहे थे वो काम पूरा हो जाता है। अच्छा तो ऐसा कई लोगों ने कहा, अंदर गए और अंदर उन कैशियरों से, उस कैशियर से बात किया, कहो भैया आपके पास ही भीड़ कैसे लगी रहती है, सब लोग आपसे ही पैसा लेना चाहते हैं, आप हमको पता है और सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा आप ज्यादा देते हैं लोगों को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आप उतना ही पैसा देते हैं, इसके बावजूद आपसे ही पैसा क्यों लेना चाहते हैं, आप क्या देते हैं साथ में और कुछ करते हैं क्या। उसने कहा देखिए पैसा तो मैं उतना ही दूंगा, ये बात सच है, लेकिन मैं क्या करता हूँ उस समय, पैसा देते समय मैं ये सोचता हूँ कि पैसा आखिर निकालता ही क्यों है लोग, निकालते ही क्यों है लोग, कोई अपनी जमा पूंजी को यूं ही नहीं निकालता है, जब कोई जरूरी काम होता है तभी पैसा निकालता है। तो मैं क्या सोचता हूँ पैसा देते समय, ये जिस काम के लिए पैसा निकाल रहा है उसका काम पूरा हो जाए, सच पैसा भी दे रहा है साथ में उनकी जो इंटेंशन है, उनकी जो भावना है, वो भावनाएं उसमें जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है,
जिस काम के लिए पैसा निकाल रहा है वह काम इसका पूरा हो जाए। और इस भाव से मैं देता हूँ, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं उनसे हम पैसा लेते हैं, हमारा काम पूरा हो जाता है। समझ रहे हैं ना, इटली पे थे कैसे काम करते हैं आपके बेचारी, ये दिखाई। मैंने क्या कहा था एक बार, आप बाहर दृश्य को बदलना चाहते हैं तो अदृश्य को बदलना होगा। आपके विचार दिखाई नहीं दे रहे, किसी नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन काम कर रहा था। यही बात है, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके बारे में सोचते कैसे हैं, आप अपने जीवन साथी के विषय में सोचते कैसे हैं, आप अपने घर के सदस्यों के बारे में सोचते कैसे हैं, जिनके साथ बराबर रहना है उन्हीं के विषय में गलत सोच रहे हैं, उन्हीं के विषय में गलत बोल रहे हैं, उन्हीं की निंदा और बुराई कर रहे हैं और चाहते हैं कि संबंध में मधुरता आए, कभी नहीं आ सकती है। आप किसी को वस्तु देकर के संबंध को मधुर बनाना चाहते हैं, वस्तुओं को देकर के संबंधों में मधुरता आती है भला? वस्तुएं किनारे रह जाएंगी, आपका भाव क्या दे रहे हैं, आप विचार क्या दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने क्या कहा था, आपको परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी मन स्थिति बदलनी है। भीतर जब आप बदलते हैं तो बाहर बदल जाते हैं, भीतर जब बदलते हैं तो। और मैंने क्या कहा, ये भी कहा, इसके लिए ना आपको पढ़ना लिखना है, इसके लिए ना आपको बहुत धन चाहिए, ना इसको बहुत बड़ा पद चाहिए। नर हो नारी हो, उम्र कितनी भी हो, सोच तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, कर सकते हैं, यही सब तो बदलना है। और आपके पास है, वो आपके पास है, वो आप कर लीजिए बस। और देखो वही जीवन है जिस जीवन में आपको दुख और अशांति का अनुभव हो रहा था, ये वही जीवन है जिसमें अब सुख और शांति का अनुभव होने लग गया। ऐसा नहीं कि आपका मकान बदल गया, ऐसा नहीं कि घर के लोग बदल गए, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग बदल गए। सच क्या है, आप बदल गए। और वो भी आप बाहर से नहीं, आपको देख करके अभी भी कहेंगे आप अमुक आदमी हैं, लेकिन भीतर बदल गए। ये उदाहरण बहुत कई बार दिया, एक सिद्ध एक साधक जब सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, मतलब परिपक्व हो गए, पूर्णता हासिल कर लिए, तो एक ने जाके पूछा, अच्छा आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, कुएं से पानी निकालता हूं और लकड़ी काटता हूं। अच्छा, तो फिर आप जब सिद्ध नहीं हुए थे तब क्या करते थे? उन्होंने कहा, कुएं से पानी निकालता था और लकड़ी काटता था। अच्छा, तो फिर सिद्ध होने के पहले जो करते थे वही सिद्ध होने के बाद कर रहे हैं, तो कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, वही कर रहे हैं। उसने कहा, हाँ बाहरी रूप से बदलाव नहीं आया, लेकिन वो बदल गया है। पहले का ढंग पानी निकालने का अलग होता था, अब अलग है। लकड़ी काटने का ढंग जो पहले था वो अब अलग है। समझ रहे हैं ना, वो अलग है। जैसे मैंने कहा ना, भोजन भोजन पहले आप भीतर से नाराज होकर के बनाते थे और अब बदल गए, खुश होकर के बनाना। क्या खुश होकर के? घर में जितनी देवी और घर में घर के जितने सदस्य हैं वो कौन है? देवी और देवता है। और देवी और देवताओं के भोग लगाने के लिए मैं प्रसाद बना रहा हूं या प्रसाद बना रही हूं। इंटेंशन बदल गया। समझ रहे ना, जब आप अपने इष्ट के प्रति, आप जिनके प्रति बहुत श्रद्धावान हैं, उनके प्रति जब आपको भोजन बनाने कहा गया, या कहना चाहिए जिसके प्रति बहुत प्रेम है उनके प्रति भोजन बनाना हुआ, तब एक आपके घर में ऐसा मेहमान आ जाए जिसे आप पसंद नहीं करते, और वो कब आया है, रात में 11 बजे और भोजन बनाना पड़ रहा हो, आपको कैसा लगेगा? भुनभुनाएंगे, जरूर भुनभुनाएंगे, ये पता नहीं कहाँ से आ गए आज, इनके लिए भोजन बनाना पड़ रहा है। अच्छा देखिए, अब रात में फिर अगले दिन दो दिन के बाद में आपके रात में फिर 11 बजे हैं, कौन आ गए? आपका भाई साहब आ गए, अब भी भोजन बनाना पड़ रहा है, अब कैसा लगेगा? अब भुनभुनाएंगे? अब भाई कह रहा है भोजन मत बनाओ, कोई बात नहीं मेरा काम चल जाएगा, क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, बिना खाए कैसे सोने देंगे? समझ रहे हैं ना, कितनी खुशी से भोजन बना रहे, क्योंकि भाई साहब आ गए हैं। क्या बदल गया? जगत वही है, भंडार घर तो वही है, सामान वही है, आप भी वही हैं, लेकिन आपके भीतर बदल गया। और वो भीतर बदला है तो फिर
परिस्थिति बदल जाएगी। ये अंतर आता है जीवन में। तो जीवन की बाहरी परिस्थितियों में बदलाव नहीं लाना है, भीतरी परिस्थितियों में बदलाव लाना है। ये जिसने करना सीख गया, समझ लो उसकी पूजा, उसकी आराधना, उसकी साधना और उसका भजन सफल है, उसकी भक्ति भी सफल है। और बाकी भजन गाते रहो, भक्ति करते रहो, माला जपते रहो, तप करते रहो, जिंदगी बीतती चली जाएगी, परिवर्तन नहीं आएगा। चारों धाम घूम के आने से परिवर्तन हो जाता है? किसी नदी में नहाने से जीवन बदल जाता है? नहीं बदलता है। जीवन तो तब बदलता है जब आप बदलते हैं। आपका मतलब आपके विचार बदलते हैं, आपका ढंग बदलता है। इसलिए आप बदलें। और ये सुने भी होंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, सही है? क्या है? हम बदलेंगे युग बदले, हम सुधरेंगे। ये केवल कहने के लिए न रह जाए। पहले क्या कहते, कहने की तो है लेकिन अब ही क्या मन है, वो लोग बदलेंगे तब तो मैं बदलूं, ये घर वाला बदल जाए तब तो बदलूं। मतलब आप अपेक्षा क्या कर रहे हैं? अभी कह रहे थे हम बदलेंगे युग बदलेगा, आप कह रहे हैं कम से कम घर वाले तो बदले, गांव वाले तो बदले, ये राजनेता तो बदले। क्यों अपेक्षा कर रहे हो? आप बदले बस, आप हैं इकाई, आप हैं मूल में, बस आपके जीवन के लिए आप। तो ये जब बदलाव आएगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा। बस साहेब बंदगी।